हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं उनको हमने ज्ञापन दिया है और स्टेट लेवल के जो भी यूनियंस है हमारी, जो सेंट्रल लेवल की है या जो महिला आयोग है, सब में ज्ञापन देके काम बहिष्कार किया हमने। और जब तक कलेक्ट्रेट या पुलिस प्रशासन से हमें उनकी गिरफ्तारी या उचित न्यायिक मांग जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम कार्य बहिष्कार करेंगे और उसके बाद नैतिक कर्तव्य के साथ काली पट्टी बांध के विरोध के साथ हम कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है पशुपालन विभाग में, कोई भी आता है हम 24 घंटे हमारी मेहनत से काम करते हैं बिना किसी सुविधा के जो भी है। कई बार इस औरत ने आज पंगा, और ये कोई आज का मैटर नहीं है, उनका ये जो प्रक्रिया है ये लंबी चली आ रही है, लेकिन कल जो हद से ज़्यादा हुई है, आतन है ये, कल हद से ज़्यादा हो गई है। एक लेडी डॉक्टर है, ऑन ड्यूटी है, सरकारी कर्मचारी है, उसके बावजूद हाथ उठा रहे हैं, वो चोट हुई है उनको, इंटरनल डैमेज भी हो सकता है। आज की जिम्मेदारी क्या किया है और आगे की क्या रणनीति? आज हमने एक आंशिक बहिष्कार किया है कार्य को रोककर, और कल से विरोध के साथ हम कार्य करेंगे और कलेक्ट्रेट और पुलिस प्रशासन के जो सक्षम अधिकारी हैं उनको हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज इलाज के लिए दौरान वहाँ तैनात डॉक्टर सीमा यादव और उनके साथी कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की व मारपीट करने की इतला प्राप्त हुई है, उस पर हमने धारा 332-353 में मुकदमा दर्ज किया है। जो इंजर्ड डॉक्टर है उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।